दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल एंड दोस्तों टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हम किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से जियो पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमारे पास जो है कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, और ऐसा सेविंग अकाउंट के बारे में बताइए जिसमें जो है जीरो बैलेंस हो और हमें जो है किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत ना हो, और हमें यहाँ पर जो है एटीएम कार्ड भी मिल जाए जिससे हम फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम जैसे यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से जियो पेमेंट बैंक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा दोस्तों। इंस्टेंट आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट आपको जो है तुरंत के तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है तुरंत के तुरंत आप अपना जो है एटीएम कार्ड भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है जिससे आप फ़ोनपे गूगल पे जैसे पेटीएम जैसे सभी सर्विस का दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किस तरीके से अकाउंट ओपन करना है सीखेंगे इस वीडियो में लाइव हम, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको लाइक कर देना है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल के दोस्तों प्ले स्टोर में आएंगे एंड दोस्तों प्ले स्टोर में आने के बाद इस माई जियो एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। मैंने पहले से दोस्तों डाउनलोड करके रखा हुआ था, इसे मैं अपडेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास जो है जियो का जो सिम नहीं है, एयरटेल का सिम है, तो क्या हम जियो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जो प्रोसेस बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है और इसके अंदर में जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर लेना है। फिलहाल मेरा जो है मोबाइल नंबर इसके ऊपर में रजिस्टर है, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ए टू जेड जानकारी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद आप फोन पे का यूज़ करने के लिए जो है आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट फोन पे भी चला सकते हैं जियो पेमेंट बैंक ओपन करने के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट से। एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ओपन करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और यहां से जो है आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लेता हूं फटाफट से, आपको भी इसी तरीके से करना होगा। ओटीपी दोस्तों हमारे नंबर पे भेजा जा चुका है, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो है फटाफट से मैं यहाँ पर ऐसे जो है लॉगिन कर ले, मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर हम होम पेज पर डायरेक्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आप आ जाते हैं तो आपके सामने दोस्तों माई जियो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों एक होम पेज का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल, एंड दोस्तों यहाँ पर जो है फाइबर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके का दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको इधर और करना है, एंड दोस्तों नीचे करने के बाद जो है आप थोड़ा सा जिस तरीके से पूरा इधर लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर एक बैंक का ऑप्शन मिलेगा, बैंक में आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे बैंक में क्लिक करते हैं इस तरीके का दोस्तों परमिशन मांगेगा, यहाँ पर इसे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरीके का पेज आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आप आते हैं और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बता ही दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जस्ट लेट गेट स्टार्ट में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरे वाले नंबर से जियो पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हालांकि हम दोस्तों ब्लर करके रखे हुए अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं, आपको भी दोस्तों इसी तरीके से करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, और आपके पास दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जियो की तरफ से भी मैसेज आ रहा है, डियर कस्टमर योर पासवर्ड वगैरह यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जो चार अंक का जो है आपको अपना पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसको दोस्तों हम एम पिन बोलते हैं। तो यहाँ पर एम पिन आप चार अंक का डालेंगे, और यहाँ पर दोस्तों जो भी चार अंक का एम पिन वहाँ पर ऊपर डालेंगे, नीचे में आप उसी एम पिन को कन्फर्म करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर सकते हैं, यानी कि जो आपका मोबाइल में लॉक होगा वो लॉक ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो हम यहाँ पर लॉक नहीं लगाना चाहते हैं, हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद दोस्तों एम पिन सक्सेसफुल दोस्तों ऐड हो चुका है। अब आपके पास दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों SMS आपको मिलता जाएगा हर चीज़ का, यहाँ पर वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक एम पिन सक्सेसफुल, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का मुझे मैसेज भी मिल चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी पिन को यहाँ पर हम डालेंगे जो पिन अभी हमने बनाया था, जो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसी पिन को हम यहाँ पर डालते हैं। और डालने के बाद दोस्तों इस तरीके का लॉगिन हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको बैनर मिल जाएगा, जैसे कि देख पा रहे होंगे वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप ज्वाइन में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है क्रिएट अकाउंट, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, वो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपका जो है आपका यहाँ पर जो है पैन कार्ड होना चाहिए फर्स्ट में, जो यहाँ पर आधार कार्ड के साथ लिंक भी होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड लगेगा, उस पर एक OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट बैंकिंग में क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों लेट गेट स्टार्टेड में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक ये वेरीफाई करेगा। यहाँ पर दोस्तों सारा टर्म एंड कंडीशंस को दोस्तों यहाँ पर हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम फटाफट से सारा टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर दिए हैं, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, आधार कार्ड का दोस्तों यहाँ पर नंबर डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालने के मतलब दोस्तों आपका ई केवाईसी किया जाएगा। तो चलिए मैं नंबर डालता हूँ। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी दोस्तों यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो सक्सेसफुल दोस्तों ओटीपी सबमिट हो चुका है, यहाँ पर हम चलिए ओटीपी डाल के सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड के हिसाब से दोस्तों आपका सारा चीज़ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मेल है या फीमेल है ये आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर सारा चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे फटाफट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपना टाइटल चूज़ करेंगे, आप मिस्टर हैं या मिस हैं, तो यहाँ पर हम मिस्टर डाल देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, मैरिट स्टेटस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है फादर नेम डालेंगे, उसके बाद दोस्तों फादर के यहाँ पर जैसा पैन कार्ड में नाम होगा वैसा डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों फादर के यहाँ पर नाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मदर का नाम नीचे डालेंगे, यहाँ पर मदर का नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना जो रिलेशन वगैरह यहाँ पर देना होगा। एनुअल इनकम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एनुअल इनकम में आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। जैसे दोस्तों सारा डिटेल डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप नॉमिनी अभी ऐड करना चाहते हैं या नहीं इस अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर जो है नॉमिनी फिलहाल मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल आ चुका है, आप प्रोसीड करेंगे। जैसे दोस्तों हम प्रोसीड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है अब हमारा केवाईसी का प्रोसेस यहाँ पर बच जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके का लोडिंग ले रहा है दोस्तों, आपके सामने पेज इस तरीके का लोडिंग लेकर के आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक वीडियो केवाईसी दोस्तों वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके लिए जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे केवाईसी करने के लिए। लेकिन केवाईसी करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक पेन होना चाहिए, और आपका एक सादा पेपर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों केवाईसी नंबर मिल चुका है, अगर आपके पास सारा चीज़ है तो यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी करने के लिए प्रोसीड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो केवाईसी आपका है वो आपके एक एजेंट के साथ दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका वाईफाई भी कनेक्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बता दिया दोस्तों, सारा चीज़ करने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट केवाईसी में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे स्टार्ट कॉलिंग विद यानी कि दोस्तों क्लिक करेंगे, परमिशन का दोस्तों अलाउ मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी कर लेना, केवाईसी करने के बाद यहाँ पर आप उसी पिन डालेंगे केवाईसी करने के लिए जो पिन अभी आपने बनाया था, उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है प्लीज़ अभी हमारा यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा नहीं डाला था, तो चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों डाल दिया। अब यहाँ पर तो आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आपको केवाईसी कर लेना है, उसके बाद आप फोन पे गूगल पे चला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब जय हिंद, वंदे मातरम।